शुरुआत 10 मिनट में देश की। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। पीएम मोदी आज दिल्ली में स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की 125वीं वर्षगांठ पर छात्रों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का ये संबोधन आज सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। देश के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में सीधा प्रसारण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं छात्रों के एक सम्मेलन को संबोधित करूंगा जिसकी थीम यंग इंडिया न्यू इंडिया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई पहली कैबिनेट बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। रोहिंग्या मुसलमानों के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की है। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज दिल्ली की अदालत में सुनवाई होगी। जैन ने पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि का दावा किया। गुरुग्राम का प्रद्युमन मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर ने कहा कि वो सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देंगे। प्रद्युमन के पिता ने कहा कि वो पुलिस के जांच से संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दखल और सीबीआई की जांच से सच सामने आए। प्रद्युमन मर्डर केस की जांच के लिए बनाई गई प्रशासन की 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। स्कूल में सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई, बच्चों के टॉयलेट भी सुरक्षित नहीं। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल में सीसीटीवी सही जगह पर नहीं लगे हैं, बाहर के स्टाफ के लिए अलग टॉयलेट भी नहीं है, कई स्टाफ को बिना वेरिफिकेशन के नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन ने रिपोर्ट के आधार पर स्कूल पर कार्रवाई की बात कही है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने पर स्कूलों को चेतावनी दी है। हरियाणा में एक और स्कूली बच्चे की हत्या का मामला सामने आया। फरीदाबाद के सिकरी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अगवा करने के बाद मार डाला गया, 24 अगस्त की घटना। घटना के करीब 2 हफ्ते बाद कल हरियाणा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सूरज की निशानदेही पर जमीन में दफनाया गया, शव भी बरामद कर लिया गया। 13 साल का छात्र राहुल 24 अगस्त को लंच टाइम के बाद से लापता था। परिवार वालों ने पहले ही दिन उसके अपहरण का शक जताया था। बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता और बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी आज से जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत यात्रा 22 राज्यों से होती हुई 16 अक्टूबर को दिल्ली में खत्म होगी। इस दौरान वो 11,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कैलाश सत्यार्थी का कहना है कि नया भारत तभी बन सकता है जब बच्चे निडर होकर अपना बचपन गुजार सके। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने राजधानी के सभी स्कूलों में सुरक्षा इंतजाम की जांच के निर्देश दिए हैं। सभी स्कूलों को सीसीटीवी कैमरे भी लगाने का आदेश दिया गया है। लखनऊ के स्कूलों में स्मार्टफोन पर बैन, बच्चे नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। ब्लू व्हेल गेम को लेकर यूपी सरकार का फैसला। ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को चुनौती दी, कहा अदालत का फैसला पर्सनल लॉ में दखल। बाबरी मस्जिद पर होने वाली सुनवाई पर भी सवाल उठा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कमेटी बनाकर कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर होगा। सिरसा डेयरी के अंदर तलाशी अभियान खत्म, बरामद सामान जब्त लेकिन नहीं हुई कोई खुदाई। डेरा में सर्च ऑपरेशन की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को कमिश्नर देंगे। आज कर्फ्यू नहीं, रेलवे स्टेशन खोला गया, इंटरनेट सेवा भी शुरू। राम रहीम की कथित बेटी हनीप्रीत का हरियाणा पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई है। उसके खिलाफ 1 सितंबर को लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। हनीप्रीत के नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल जाने वाले रास्तों और पुलिस थानों में हनीप्रीत के पोस्टर्स लगाए गए हैं। हनीप्रीत की तलाश में शनिवार रात हरियाणा पुलिस ने एसएसबी के साथ छानबीन की। रविवार को भी एसएसबी ने सीमा पर सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो जाएगा, वोट कल डाले जाएंगे। मुंबई की आजाद हॉकर्स यूनियन ने बीजेपी विधायक अमित साटम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साटम पर रेड़ी वालों से मारपीट करने का आरोप है। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद ने जारी की फर्जी बाबाओं की लिस्ट, सूची में राम रहीम, आसाराम और राधे मां को फर्जी बाबा बताया गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार के भागलपुर में जनसभा की। डिप्टी सीएम सुशील मोदी और गिरिराज सिंह पर सृजन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने अपने आदर्श और संविधान को भुला दिया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हाईटेक बस टर्मिनल बनेगा, इस काम में राज्य सरकार 30 करोड़ रुपए खर्च करेगी, 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
एनजीटी ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ कचरा प्रबंधन और पर्यावरण नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया था। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने मनमोहन सिंह और पार्टी के सीनियर नेता मिले हैं। पूर्व पीएम की अगुवाई में कश्मीर का दौरा है। मुंबई में डीआरआई ने 7,36,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं। दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जनरल बिपिन रावत ने परमवीर चक्र सम्मानित शहीद अब्दुल हमीद की मूर्ति का अनावरण किया। शहीद की पत्नी रसूलन बीबी के पैर भी छुए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक प्राइवेट स्कूल पर 4 साल के छात्र को कमरे में बंद करने का आरोप लगा है। स्कूल प्रशासन ने बच्चे के पिता को बुलाकर फीस भरने की चेतावनी दी। यूपी के बलिया में मुस्लिम महिला को पीएम और योगी की पेंटिंग बनाना महंगा पड़ा। ससुराल वालों ने पागल कहकर घर से पीट पीट कर निकाला। पीड़ित महिला ने मोदी और योगी से इंसाफ की गुहार लगाई। संत कबीर नगर में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन का मंच अचानक टूट गया। इस हादसे में मंत्री समेत मंच पर मौजूद सभी लोग बाल बाल बच गए। लखनऊ में रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रही हिंसा के खिलाफ कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने म्यांमार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने किसान की हत्या की। अब तक हथियारों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में रेलवे स्टेशन पर एक प्रेमी जोड़े की सिरकटी लाश मिली। शवों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के कैथल में दोस्त की हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 देसी पिस्टल और गाड़ी बरामद की। हरियाणा के रोहतक में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप में लूट को अंजाम दिया गया। 3 नकाबपोश बदमाश कैश लूट कर फरार हो गए।